वापी पब्लिक स्कूल में उत्कर्ष महिला मंडल द्वारा भजन स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें वापी समेत आसपास के 12 भजन मंडलियों ने भाग लिया। सोमवार को वापी पब्लिक स्कूल में भजन संध्या का आयोजन किया गया था। उत्कर्ष महिला मंडल द्वारा आयोजित इस भजन संध्या में वापी और आसपास के 12 भजन मंडलों ने उत्साह के साथ शामिल होकर अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को भाव विभोर कर दिया। जानकारी के अनुसार सभी भजन मंडलों को मिलाते तथा एकता बढ़ाने के लिए उत्कर्ष महिला मंडल द्वारा गत 5 सालों से यह आयोजन किया जाता रहा है। मंडल की प्रोजेक्ट चेयरपर्सन अल्पाबेन कोटारिया और चनौत की पूर्व सरपंच कामिनीबेन देसाई भी उपस्थित रहीं और आयोजन के उद्देश्य के बारे में लोगों को बताया। कार्यक्रम का संचालन कामिनीबेन देसाई ने किया, जबकि कार्यक्रम के प्रारंभ में स्तुति और स्वागत की मायाबेन भट्ट एडवोकेट रश्मिबेन ने किया। परिचय छे मंदिर मा देवो ने उत्कर्ष महिला फाउंडेशन। परिचय छे मंदिर मा देवो ने उत्कर्ष महिला फाउंडेशन हो। देरा शर्मा प्रभु ने पण परिचय छे। नथी अमरो अस्तित्व अने व्यक्तित्व छानो छे बापी मा जेवा तमारा जेवा उत्कर्ष महिला फाउंडेशन नो ओळखाण आपवा माटे धन्यवाद। आपने कोई पण कार्यक्रम ने सर्व उत्कर्ष महिला फाउंडेशन ना फाउंडर मेंबर अने मेंबर अने उपस्थित जो ना प्रचोदया ओम गुरु गुरु
जय जय गोविंदा हरे। उत्कर्ष महिला फाउंडेशन हर वर्षे भजन कॉम्पिटिशन राखे छे। आजूबाजूना दरेक गामों माथी तेमज सिलवासा दमण वगैरह जगह थी पण टीमों भाग लेवा माटे आवे छे। अने आजनो अमारो प्रोग्राम एटलो सुंदर रह्यो के दरेक ग्रुपे खूब ज सुंदर तैयारी करी छे अने ड्रेस कोड आप्युं छे अमे तो बहु सरस तैयार थईने बधा आव्या हता। अने એટલું સરસ દરેક જણાએ ગાયું કે જજીસને એવું આમ કન્ફ્યુઝન થઈ ગયું કે કોને નંબર આપવા, એટલે અમે એકદમ નિરપેક્ષ રીતે જ આ કરીએ છીએ અને કોઈ પાર્શાલિટી કરતા નથી અને નિરપેક્ષ ભાવે જ દરેક જજીસે નંબર આપ્યા છે। અને હર વખતે આ જે અમારો પ્રોજેક્ટ છે એના પરમેનન્ટ પ્રોજેક્ટ ચેરમેન ભજનના અલ્પાબેન કોટડિયા છે અને બે વર્ષથી વિનોદભાઈ જીનાભાઈ દેસાઈ અને કે અમારા સસરાજીના નામથી અમે લોકો આ ભજન કોમ્પિટિશનના ઇનામોનું વિતરણ કરીએ છીએ। અને અમારી ઉત્કર્ષના ફાઉન્ડર મેમ્બરો રશ્મિકાબેન મહેતા, માયાબેન ભટ્ટ, અમારા દરે હિનાબેન પટેલ, પારુલબેન દેસાઈ, સેજલબેન દોસ્તી,